डीएसपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। केलांग में एक रात ठहरेंगे मोदी। 1972 में इंदिरा गांधी भी रही थी। करीब 50 साल बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाहौल स्पीति में एक रात ठहरेंगे। करीब 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केलांग पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान एक रात केलांग में ठहरेंगे। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो केलांग में एक रात ठहरेंगे। राजभवन पहुंचा कोरोना, राज्यपाल के एडीसी पॉजिटिव। कोविड महामारी ने हिमाचल के राजभवन में दस्तक दे दी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के एडीसी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राजभवन में हड़कंप मच गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उनके सचिव राकेश कंवर और एडीसी पुलिस समेत पूरा निजी स्टाफ आइसोलेट हो गया है। फिलहाल सभी को कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग व राज्यपाल की देखरेख के लिए तैनात मेडिकल टीम नज़र बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि अगर लक्षण मिलते हैं तो कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर कुमार गौरव रक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यपाल के एडीसी के तौर पर तैनात हैं। हिमाचल में निकली बंपर नौकरियां, भरे जाएंगे 1600 पद। हिमाचल प्रदेश में बंपर सरकारी नौकरियां निकली हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक समेत 1600 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 26 सितंबर से 25 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए ₹360 और आरक्षित वर्ग के लिए ₹120 आवेदन शुल्क रखा गया है। मनाली के सासे हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। सामरिक मैच की अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासे हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से सोलंग नाला जाएंगे और लोगों से रूबरू होंगे। इसके बाद टनल के साउथ पोर्टल पर जाएंगे। यहां लोकार्पण के बाद टनल का निरीक्षण करेंगे और नॉर्थ पोर्टल से एक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लाहौल पहुँच गए हैं। दिल्ली गगन के लिए पहले अक्टूबर से हो सकती है स्पाइस जेट की 2 नई उड़ानें। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए खुलने की घोषणा के बाद विमानन कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली गगन के लिए 2 नई उड़ानें शुरू कर सकता है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो ये उड़ानें पहले अक्टूबर से शुरू होंगी। 4 साल की होगी बीएड, पुराने डिग्री धारकों को 2030 के बाद नौकरी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड को 4 साल का कर दिया है। पुराने डिग्री धारकों को वर्ष 2030 के बाद शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी। नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष की बीएड करने वालों को ही नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषय को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। 3 साल तक कॉलेज और 1 वर्ष के बाद में एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वालों को ही बीएड की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही प्रदेश में बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम भी बदला जाएगा। टेट पास करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री पदों के लिए ही टेट अनिवार्य है। आने वाले समय में स्कूल प्रवक्ता के लिए भी टेट पास करना जरूरी हो जाएगा। मनाली लेह मार्ग को 12 महीने खुला रखने की कवायद तेज, राजनाथ करेंगे स्टील ब्रिज का उद्घाटन। चीन से तनातनी के बीच सामरिक मैच की अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण से करीब 1 सप्ताह पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को हिमाचल के सबसे लंबे 360 मीटर दारचा पुल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान देश भर के 43 पुलों और एक सुरंग का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अटल टनल भी 3 अक्टूबर को देश को समर्पित कर दी जाएगी। इसके लोकार्पण के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। राजधानी शिमला समेत नाहन और कांगड़ा में बरसे बादल, बड़ी ठंडक। हिमाचल में कमजोर हो चुके मानसून के बीच बुधवार को राजधानी शिमला, नाहन और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में बादल बरसे। बारिश होने से शिमला शहर के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। गुरुवार से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। 29 सितंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। उधर इस सप्ताह के अंत तक प्रदेश से मानसून के विदा होने के आसार हैं। शिमला में बुधवार सुबह से ही बादल छाए रहे। शाम को करीब 4 बजे के बाद शहर में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। शिमला के डीडीयू में कोरोना संक्रमित महिला ने की आत्महत्या, 18 सितंबर से थी भर्ती। शिमला के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डीडीयू में 54 साल की कोरोना पॉजिटिव महिला ने आत्महत्या कर ली है। वहीं 7 महीनों के भीतर कोरोना पॉजिटिव मरीज द्वारा आत्महत्या करने का यह पहला मामला है, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है। मामला देर रात का है। चौपाल की रहने वाली इस महिला को 18 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डीडीयू अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रात 12:05 पर कोविड अस्पताल की तीसरी मंजिल स्थित एक गैलरी में फंदा लगाकर महिला ने जान दे दी। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस टीम ने वीडियोग्राफी भी की। मुख्यमंत्री ने अटल सुरंग रोहतांग के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। लाहौल स्पीति की महत्वपूर्ण परियोजना अटल सुरंग रोहतांग के उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केलांग में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे इंतजार के बाद लाहौल घाटी के लिए अटल टनल बनकर तैयार हुई है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को लाहौल आएंगे। राजगढ़ के मटनाली में गिरी पिकअप, 2 लोगों की मौत। उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत सोलन राजगढ़ मार्ग पर मंगलवार रात मटनाली के समीप एक पिकअप लगभग 800 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। मध्य रात्रि को हुए इस हादसे का बुधवार सुबह तक किसी को पता नहीं चल पाया। सुबह हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से बाहर निकाला। बाल अश्लील साहित्य की जानकारी पुलिस को दें लोग, एडवाइजरी जारी। हिमाचल पुलिस ने बाल यौन हिंसा, बाल अश्लील साहित्य को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी तरह के बाल अश्लील साहित्य, बाल अपराध या बाल यौन शोषण की जानकारी मिले तो वह पुलिस से साझा करें। इस अपराध को छिपाना दंडनीय अपराध है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि इस संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल 1098 112 या 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दे सकते हैं। किसान भाजपा के पक्ष में ना हो जाए इसलिए बौखलाया विपक्ष। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान हितैषी विधेयक लाए हैं। किसान भाजपा के पक्ष में ना हो जाए इसलिए विपक्षी बौखला गए हैं। रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बिल पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी स्पष्ट किया कि APMC बंद नहीं होगी। हर किसान को इसका स्वागत करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दुरुस्त करने के लिए यह विधेयक लाए गए हैं। बुवाई से पहले ही अब फसल की कीमत तय हो जाएगी। बाजार में जो मूल्य नीचे ऊपर हो जाते हैं वे नियमित होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में उगेंगी अब सब्जियां, कृषि विभाग देगा प्रशिक्षण। कृषि विभाग के सौजन्य से आंगनबाड़ी केंद्रों के परिसर और केंद्रों की लाभार्थी महिलाओं के घरों के आसपास अब सब्जियां उगाई जाएंगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सौजन्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किचन गार्डनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों की लाभार्थी महिलाओं किचन गार्डनिंग सिखाकर उन्हें सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसके लिए कृषि विभाग भी इनकी मदद करेगा।